नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इस बारे में चर्चा होगी और उस विटामिन का रासायनिक नाम भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, विटामिन विटामिन का रासायनिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी जिरोप्थैल्मिया रोग होता है। रतौंधी जिस रात में जिसको रतौंधी होती है उसे रात में नहीं दिखाई देता है। अगला है विटामिन बी वन। अगला क्या है? विटामिन बी वन जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है एक प्रकार का। अगला है विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन बी टू की कमी से त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा का फट जाता है और आंखें क्या होती हैं? लाल हो जाती हैं। अगला है विटामिन बी थ्री जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड और इसका दूसरा नाम है नियाशीन पैलाग्रा, यानी यह भी एक प्रकार का त्वचा रोग है। अगला है विटामिन बी फाइव जिसका नाम है पेंटाथेनिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना और मानसिक रोग। यानी विटामिन बी फाइव की कमी से यदि आपके शरीर में कमी है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मानसिक रोग होता है। अगला है विटामिन बी सिक्स जिसका रासायनिक नाम है पायरीडाक्विन और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगला है विटामिन वी सेवन जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन और इसकी कमी से लकवा रोग हो जाता है, यानी शरीर का जिस अंग में लकवा होता है वो काम नहीं करता, यानी ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता है। अगला है बी नाइन फोलिक अम्ल, एनेमिया पेचिश रोग, वहीं खून की कमी और पेचिश रोग, बार बार पेचिश होता है, बार बार टट्टी होती है। अगला है विटामिन ट्वेल्व साइनोकोबालमिन एनीमिया पांडुरोग, ये इसकी कमी से होता। अगला है विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक अम्ल स्कर्वी, यानी दांतों से खून आना। अगला है विटामिन डी कैल्सीफेराल जिसकी कमी से रिकेट्स, सूखा रोग होता, बच्चे सूख जाते हैं। अगला है विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल, जनन शक्ति में कमी, यानी इसकी कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन शक्ति में कमी आती है, महिलाओं में सारी। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न जमना, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि ब्लड कहीं घाव लग गया तो तेज़ी से रक्त बहने लगता है। नमस्कार।